आप सिंगापुर में काम कर रहे हैं भाई, अगर आप सिंगापुर से इंडिया पैसे भेजना चाहते हैं तो कौन कौन से तरीके हैं, बेस्ट रेट में और बिल्कुल सेफ तरीका है और बहुत ही फास्ट प्रोसेस, आपको आज भेजोगे विद इन 5 मिनट्स में आपको पैसा मिल जाएगा, विद इन 1 डे में बिल्कुल गारंटी पैसा आपके अकाउंट में होगा, तो क्या क्या तरीके हैं आज पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। तो पूरा हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी का सपना है कि विदेश में काम करने का, चाहे वो सिंगापुर हो, यूएस हो, कनाडा हो, विदेश में जहाँ अच्छा पैसा कमा सके। आज मुझसे ये पूछा कि सर हम पैसा कैसे अपने कंट्री में बिल्कुल सेफ, जल्दी और ऑन द इंस्टेंट कैसे भेज सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जो बिल्कुल सेफ हो, और अगर आपको इंटरनेट भी चलाना नहीं आता ज़्यादा से, आपको ऑनलाइन बैंकिंग नहीं आती, तो कैसे कैसे आप सिंगापुर से इंडिया पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं और बिल्कुल सेफ आज मैं बताने वाला हूं। तो मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या पहली बार चैनल देख रहे हैं या गलती से मेरा चैनल आपके YouTube पर स्क्रॉल होते हुए आ गया, तो भाई ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंगापुर से अपडेट, विदेशों में जो चलता है कि आप स्टूडेंट वीज़ा कैसे जा सकते हैं, वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, अगर आप अगर सिंगापुर का वर्क परमिट लेना चाहते हो तो भाई सिंगापुर के लिए, और एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास, तो मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियो एजेंसीज की डिटेल पर आप उसको जाके वॉच कर लेना, और क्या क्या प्रोसेस है इन फ्यूचर में इसी तरह से अपडेट मिलेगी। तो प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल का बटन दबा देना ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलती है। लेकिन आज का जो टॉपिक भाई, पैसे कैसे भेजे जाए, कि अगर आप जो लोग यहाँ वर्क परमिट पर काम कर रहे हैं, वो जो एस पास पर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पास वालों को तो कंप्यूटर्स की अच्छी नॉलेज है, तो उसको भी ले भी ये वीडियो हो सकती है, अगर हो रहा है तो स्किप कर देना, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो है कि भाई पैसा ट्रांसफर कैसा करा जाए। तो पहले जमाने में आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आपको बैंक से बैंक ट्रांसफर करने के लिए भी 2 या 3 दिन लगते थे, लेकिन भाई आज इंस्टेंट में क्या है, वेस्टर्न यूनियन का भी ऑप्शन पहले था, लेकिन आज पैसे भेजो फिर आप उसको, वेस्टर्न यूनियन का क्या था कि 10 नंबर का कोड वर्ड होता था, वो आप अपने उसको बताओ, वो जाके उधर इंडिया के वेस्टर्न यूनियन से जाके, चलो अगर 50,000 से कम पैसे तब कैश मिलते थे, उसके बाद चेक इस और फिर चेक लगाते थे 2-3, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सुविधा हो चुकी। तो कौन कौन से, सबसे पहले तो मैं कुछ एप्लीकेशंस बताऊँगा, आप NRI अकाउंट बताऊँगा, कौन कौन से सिंगापुर में बैंक्स हैं जो आप इजिली मीन्स आज पैसे डालोगे 10 बजे, 10:15 बजे आपके अकाउंट में इंडिया में किसी के, आपके ब्रदर के, आपके जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, आप वहाँ भेजना चाहते हो तो आप भेज सकते हो, और एक दिन की जो लिमिट होती है वो 2 लाख रुपए होती है, तो 1 लाख आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर सकते हो, 2 लाख रुपए तक की मैक्सिमम लिमिट है एक दिन में ट्रांसफर करने की। तो देखो 3 तरह है, एक तो आप बैंक्स में जाके ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरा आप जो यहाँ की जो मनी चेंजर्स जो शॉप्स हैं वहाँ पर जाके ट्रांसफर कर सकते हैं, और जैसे वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम है, काफ़ी और भी है, जैसी और काफी सारे मनी एक्सचेंजर्स हैं, आप वहां जाके ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं तो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो पहले यूज करेंगे एप्लीकेशन, फिर मैं जाऊंगा बैंक्स पे, फिर उसके बाद जाऊंगा शॉप के। तो 3 तरीके हैं मेजर जो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहता हूँ एप्लीकेशंस कौन कौन से। तो इन एप्लीकेशंस का मतलब ये कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, आपका जो सिंगापुर में बैंक अकाउंट है वो अटैच करके, और जो इंडिया में आप ट्रांसफर करना चाहते हो उसको ज्वाइंट करके यूज कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन, इनके कुछ सर्विस चार्ज होते हैं जो आप इनके ट्रांसफर रेट पर ही होते हैं, इनको अलग शो नहीं करना पड़ता है। कहने का मतलब अगर $1.56 का तो सर्विस चार्ज कुछ नहीं, इनका सर्विस चार्ज इसी में इंक्लूड होता है। तो कहने का मतलब पहले नंबर पर है रेमिटली, तो रेमिटली का तो स्क्रीनशॉट देख लो, रेमिटली है, अगर आज का भी रेट देखा जाए तो $1.56 का चल रहा है, तो भाई विद इन इंस्टेंट आपको पैसा भेज सकते हो। अब इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो आप अगर वर्क परमिट पर हो, एस पास पर हो, आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ रजिस्टर कर सकते हो, और जो इंडिया में ट्रांसफर करना है उसको, तो आपका रजिस्टर हो जाएगा, आप ट्रांसफर कर सकते हो, एक दिन में 2 लाख रुपये ट्रांसफर कर सकते हो। दूसरे नंबर पर वॉइस, एक ऐसी एप्लीकेशन है, स्क्रीनशॉट देख लेना, सेंड मनी टू इंडिया फ्रॉम सिंगापुर बहुत जल्दी ही होता है। तीसरे पर है रेमिटी गुरु, ये भी इसी तरह से आपको कुछ सिलेक्ट करना है, बहुत इजी एप्लीकेशंस है, बट आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पर अपना अकाउंट डालना है, यहाँ रजिस्टर्ड करना है, फिर आप ट्रांसफर करोगे तो किसके अकाउंट में डालेंगे वो आपका, जो यहाँ पर आप रजिस्टर करोगे तो एक बार OTP वगैरह आएगा, वो आप क्लियर कर लेना।
वेस्टर्न यूनियन बहुत ही रिलायबल और बहुत ही ट्रस्टेबल, बहुत पुरानी है। तो वेस्टर्न यूनियन आप दुकानों पर जो यहाँ की शॉप्स है वहाँ पर जाके भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, और आपको एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर, ये तो है एप्लीकेशंस, और भी एप्लीकेशन है लेकिन ये बहुत ही मेजर जो सिंगापुर में यूज़ करी जाती है। दूसरे नंबर पर हम करते हैं जो यहाँ पर आप दुकानें जो हैं, जो शॉप्स हैं, जो मनी एक्सचेंजर्स की है, बहुत सारी हैं, बहुत सारी सिंगापुर में। आप एक डालना मनी एक्सचेंजर इन सिंगापुर, लोकेशन वाइज लिस्ट आ जाएगी भाई, बहुत सारे प्राइवेट है जो आपको आज पैसे वहां कैश देने हैं, उनको अपना वर्क परमिट देना है और अपना अकाउंट नंबर एक फिल फॉर्म करना है, तो आपको वहां जाके जाए रिया ट्रांसफर है, आप यहाँ रिया ट्रांसफर बहुत फेमस है, आप वहां जाके अपना परमिट दिखाएंगे, आप अपना कैश देंगे और जिस अकाउंट में आपको भेजना है आप वहां पर विद इन 5 मिनट्स में आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब तीसरा जो वे है वो है बैंक्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पर NRI का भी अकाउंट खुला सकते हैं। यहाँ पर जो बैंक है SBI है, बहुत फेमस है, इंडियन ओवरसीज है SBI, रिलेटेड इंडिया में इनके और भी ब्रांचेस है। आप डाला SBI इन सिंगापुर, आपको लोकेशन पता लग जाएगी, इंडियन ओवरसीज बैंक, यहाँ से भी आप NRI अकाउंट भी खुला सकते हो और यहाँ से भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। और एक यहाँ की जो लोकल बैंक है वो है POSB। POSB बैंक जो है, आप PSBA और DBS एक दो दो बैंक है, आप यहाँ पर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर आपके पास वर्क परमिट है। और सिंगापुर में अकाउंट खुलाना बहुत ही इजी है, आपको अपना कंपनी से लेटर लेना है, एड्रेस प्रूफ देना है, अपना वर्क परमिट देना है और वहां जाके फिल फॉर्म करना है, आपका सेविंग अकाउंट POSB का खुल जाएगा। और जैसे ही आपका एप्लीकेशन, जब आपका अकाउंट खुल जाएगा, आई थिंक विद इन आप सिंगापुर में जाएंगे हाफ एन आवर में एक्टिवेट हो जाएगा। आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे POSB की बैंक या DBS की, और उस एप्लीकेशन के द्वारा द्वारा आप ट्रांसफर कर सकते हो इंडिया में विद इन इंस्टेंट, आपका विद इन 1 आवर में ट्रांसफर पैसा हो जाएगा। तो यही एक तरीके से है जो बहुत ईजी, तो कुछ लोग जो प्रेफर करते हैं ज़्यादा ट्रांसफ़र करना पैसा, तो प्रेफर करने का मतलब यह है कि काफ़ी लोग होते हैं कि भाई उनको कैसे लेते हैं मनी एक्सचेंजर के पास जाते हैं, भाई सारे की सारे वे सेफ है, बट आपको कोई भी चीज़ शेयर इसी इलीगल वालों को नहीं करनी है। सबसे बड़ा ध्यान देना, जो भी मनी एक्सचेंजर है आप वहाँ जाके चेंज करा सकते हैं। तो बैंक्स के द्वारा तो सबसे सेफ तरीका है, आप बैंक में जाके जो SBI है, इंडियन ओवरसीज़ है, आप छुट्टी वाले दिन वहाँ बैंक्स में जा सकते हैं और वहाँ अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन के द्वारा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको इन दोनों चीजों में आपके घरों के पास, यहाँ शॉपिंग सेंटर्स में हर जगह मनी एक्सचेंजर मिल जाएगा, वहां जाके आप पैसा जमा करा सकते, भेज सकते हो, चाहे वेस्टर्न यूनियन हो, रिया है, जेसी ग्लोबल है, मनीग्राम है, ये बहुत फेमस है। मैं स्क्रीनशॉट पर ऑलरेडी आ रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।